चलिए लेके चलते हैं एक ऐसा जगह पे, उस जगह का नाम है लोधरिया चाल धौवा पुल। ये चाल धौवा पुल जो बनाया जा रहा है, दिन के उजाले में भी मामला शक के दायरे में आता है, क्योंकि यहाँ पे पुल का जो निर्माण हो रहा है इसमें रॉ मटेरियल का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो घटिया, और साथ में मिलाने का जो समीकरण होता है उस पे भी अच्छा खासा नीपापोती हो रहा है। टुंडी प्रखंड के लुकैया पंचायत के अंतर्गत लोधरिया चाल धौवा पुल निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा भारी अनियमितता बरती जा रही है। प्राप्त समाचार के अनुसार DFT फंड से बन रही इस पुल निर्माण का कार्य में दिन के उजाले में भी सभी सामग्रियां काफ़ी घटिया किस्म का उपयोग किया जा रहा है। मिट्टी व बालू व अच्छी क्वालिटी का पत्थर थोड़ा सा भी देखने के लिए रखा गया है, बाकी मरा हुआ पत्थर को बेधड़क होकर के पुल में लगाया जा रहा है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिन के बाद ही ये पुल ध्वस्त हो जाएगा और कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना को अंजाम देगा, तथा 8 से 10 mm के सरिया का प्रयोग किया जा रहा है। मजेदार की बात यह है कि बिना जी का ढलाई कार्य करना आम बात हो गई है। सीमेंट भी लोकल दिया जा रहा है। समय रहते हुए उपायुक्त धनबाद ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में इस पुल की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है और यह पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है। चाल धौवा पुल निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा खुलेआम दिन के उजाले में घटिया कार्य कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे सरिया के बल पर कार्य किया जा रहा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता दीपक पांडे टुंडी से। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।